मध्य प्रदेश शासन की चिकित्सा शिक्षा आयुष और संस्कृति मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ने टीकमगढ़ जिले के प्रवास के दौरान जिला आयुष कार्यालय टीकमगढ़ के नवीन कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री यागवेंद्र सिंह, जनप्रतिनिधि, आयुष विभाग के आयुक्त एम के अग्रवाल, कलेक्टर श्रीमती हर्षिका सिंह, आयुष अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर आयुष विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। किसी भी चीज का कॉम्प्रोमाइज इस वजह से नहीं है, अच्छी सुविधा, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, उसमें कोई गलती, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो मेरे पास हेल्थ एजुकेशन, आयुष दोनों मंत्रालय का मिला जुला राजनीतिक के लोग मिल रहे हैं, वहाँ आरोग्य और बीमारी के हिसाब से हम लोग कोशिश और प्रयास करें तीनों के खिलाफ मिलकर इस प्रदेश की जनता ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा है। हमारे यहाँ पर आए पूरे जिले से जितने भी हमारे व्यक्ति हैं, हमारे सिटीजन्स हैं, आप लोगों को मेरा हार्दिक बधाई। जैसा कि आज का जो कार्यक्रम है वो यहाँ के जो नया नया आयुष भवन है उसके उद्घाटन से संबंधित कार्यक्रम है। ये मैंने आज की डेट में फंक्शनल है और हम इस कार्यक्रम आपको बताना चाहूँगी कि हम आज से ही हमारा पूरा ऑफिस जो कलेक्ट्रेट में रहता था आयुष का, वो आज से ही यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा इस ऑफिस की स्थापना के अलावा जो कुछ मुद्दे हैं आयुष विभाग से जुड़े हैं, जैसा कि आप सब लोग प्रेरित होगा कि पिछले एक डेढ़ महीने में हम लोगों ने हमारे जिले में जो सबसे बड़ी स्वास्थ्य की समस्या है वो है अनीमिया से संबंधित समस्या। और एक जनरल यहाँ पे जो पिछले 6-8 महीने का अनुभव रहा है लोगों का, वो ये भी रहा है कि यहाँ पर जो जनरल लाइफ स्टाइल डिजीजेस होते हैं, चाहे वो डायबिटीज है या कोई भी रोजमर्रा की हमारी बीमारियाँ हैं, उसकी जो संख्या है वो बहुत ही बड़ी संख्या है हमारे जिले में। देखिए, ये प्रजातांत्रिक देश है और हमारी पार्टी सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, इसमें हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? सब व्यक्ति अपनी अपनी बात रख रहे हैं, हम अपने एरिया में अपनी बात रखते हैं, सब अपने अपने, क्योंकि हम मंत्री से पहले विधायक लोग भी तो है ना, और हमारे अगर मुखिया को हम बात कहेंगे तो कहते ही रहते, हम लोग कोई नया नहीं है। सरकार और संगठन के बीच में तालमेल सही नहीं है। बिल्कुल सही तालमेल है, ये बहुत बड़ा परिवार है, जिस तरह से परिवार के अंदर बर्तन इधर उधर झड़पते हैं, छोटी बड़ी चीजें होती है, लेकिन ये बहुत बड़ा परिवार है और बहुत एक है मजबूती से एकता से खड़ा हुआ। मैम, भाजपा का आरोप है कि सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है। घर तो देख ले, फिर दूसरे का आरोप लगा। शिवराज सिंह जी 15 साल जुमलेबाजी के अलावा कुछ किया क्या? लूट लिया पूरे प्रदेश को। शिवराज सिंह का कहना है अतिथि विद्वानों का जो वादा किया था वचन पत्र में शामिल, वादे तो उन्होंने भी बहुत किए थे, क्या हुआ? घोषवीर थे, क्या करके गए? एक धेला भी किसी उसमें बजट में रख के नहीं गए, कैसे चला रहे सरकार? हम हमारा अपनी जानते हैं। अस्पताल आयुर्वेदिक का मैंने कहा ना, सेंशन नहीं है, घोषणाएं बहुत हुई थी, घोषणा का क्रियान्वयन नहीं हुआ, लेकिन बजट की वित्तीय स्थिति देखते हुए कोशिश करेंगे जल्दी। होमियोपैथी वाला होमियोपैथी भी खोला जाएगा, होमियोपैथी मुझे देखना पड़ेगा कि क्या संस्कृति विभाग भी आपके पास है जो यहाँ की बुंदेली संस्कृति है, इसके लिए संरक्षण के लिए क्या व्यवस्था? बिल्कुल, बुंदेली कदों का जो विंग है, अकेडमी है, उसके माध्यम से बुंदेली संस्कृति को बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं कार्यक्रम, चाहे वो साहित्यिक गोष्ठियाँ हों, चाहे बुंदेली कवि हो, जो बुंदेली मैम, सरकार और संगठन में आपसी तालमेल नहीं कर पा रहा है। सिंधिया ने जो बात कही थी अभी कि हमें अगर जो घोषणा पत्र में वादे नहीं हुए सड़कों पर उतरना पड़ेगा, कमलनाथ जी ने भी कहा है कि सड़कों पर उतरना चाहे तो उतर जाएं, इसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है कि हमारे कांग्रेस में हम लोग स्वतंत्र हैं, लोकतांत्रिक पार्टी है, प्रजातांत्रिक पार्टी है, और इसमें हर व्यक्ति को चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसको खुली स्वतंत्रता है बोलने की, बड़ा व्यक्ति भी बोल सकता है और छोटा व्यक्ति भी बोलता है, तो ये अच्छी बात है इस पार्टी के लिए कि खुली स्वतंत्रता है।
मैं जिस तरीके से अभी जो चिकित्सा क्षेत्र बनने के हम काफ़ी पीछे हैं और महाराष्ट्र और लगे हुए स्टेट काफ़ी आगे, क्या कारण है आपके? यही कारण है ना कि हम लोग को बढ़ाया है जनता ने इसी कारणों को लेके, अब हम सब सुधार रहे हैं व्यवस्थाएं सुधार। क्या मेडिकल कॉलेज वगैरह और इस तरीके की कुछ होता है? मेडिकल कॉलेज में कुछ नॉर्म्स होते हैं जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसको स्वीकृत करती है। हम लोगों ने 10 मेडिकल कॉलेजेस को यहाँ से प्रस्ताव भेजा था, 5 की हमारी को स्वीकृति आ गई है, 1 की और आनी है और इस प्रयास में हम लोग तेजी से आगे बढ़े। आयुष विभाग में MD का पद खाली है जबकि बल्लोगढ़ में पदस्थ MD डॉक्टर होने के बाद जिला में यही नहीं बहुत सारी जगह हमारे करीब करीब 6-650 पद खाली है, चाहे वो MD हो या लेना आए हुए अधिकारी हो, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उसके ऊपर कार्रवाई करने। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।